नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों को फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए दोस्तों मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में। दोस्तों क्या बताए थे, दोस्तों आपको बताए थे आज लेकर आए हैं जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बीपीएससी के दोस्तों आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके लिए आज का दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों आज होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो से बने रहना दोस्तों, आज वीडियो पूरा देखना है। अगर मेरे विद्यार्थियों आप जो इसके पहले जो है प्राचीन जो है बिहार के इतिहास के बारे में दोस्तों वीडियो नहीं देखे हैं, जो है बिहार के नदियों के बारे में दोस्तों, बिहार के खनिज के बारे में दोस्तों, या बिहार दोस्तों समान परिचय के बारे में दोस्तों आप नहीं देखे दोस्तों वीडियो, जाके आप देख सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। अगर बीपीएससी की आप तैयारी करें दोस्तों, आपके लिए दोस्तों आप ही कर दे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए, लेकर आए दोस्तों बीपीएससी के लिए दोस्तों स्पेशली जो है लेकर आए वीडियो दोस्तों, वो लेकर आए हैं बिहार मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में दोस्तों। इसके पहले वीडियो हम चला रहे दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में, जो है बिहार इतिहास के बारे में चला रहे थे। तो आज देखना दोस्तों हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास बिहार इतिहास के बारे में दोस्तों क्या क्या जो है प्रश्न हम लोग के एग्जाम में दिया जाता है दोस्तों और पूछा जाता है। न कि दोस्तों आप जो है बीपीएससी कह सकते दोस्तों, ये तो आपको दोस्तों बिहार जितना भी एग्जाम आता दोस्तों उसमें हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखें दोस्तों कि देखना है कि बिहार इतिहास के बारे में यानी कह सकते दोस्तों इसके जो है प्रति जो है रिलेटेड है माने दोस्तों, जिस समय जिस तरह से जो है भारत के इतिहास के बारे में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, उसी तरह जो इसके में भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ जो है बिहार में भी दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के बारे में दोस्तों पढ़ने के लिए दिया गया दोस्तों, और जो है इससे ज्यादा दोस्तों भारत के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है। तो चलते दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों जबरदस्त होने वाला दोस्तों, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते दोस्तों पहला देखेंगे दोस्तों कि बिहार में दोस्तों मध्यकालीन जो है बिहार का इतिहास दोस्तों उसमें जो है बना था दोस्तों, उसमें जो पहला जो है शासक आया था दोस्तों, वंश आया था वो था कर्णट वंश। कौन दोस्तों? कर्णट वंश आया था दोस्तों, जो इनका जो संस्थापक होता दोस्तों, इनका जो संस्थापक दोस्तों कर्णट वंश का संस्थापक था वो था जो है नान्यदेव। कौन दोस्तों? नान्यदेव। ये दोस्तों आपका जो है 62वां दोस्तों और 63वां जो है बीपीएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या बोल रहे हैं क्या कि जो है कर्णट वंश के जो संस्थापक कौन थे दोस्तों? थे आपको जो है संस्थापक थे नान्यदेव थे दोस्तों। कौन थे? नान्यदेव थे दोस्तों, जो कि आपको जो है मिथिलांचल दोस्तों उत्तरी बिहार के दोस्तों, उत्तरी बिहार दोस्तों यानी कह सकते दोस्तों उत्तरी भाग बिहार के उत्तरी भाग के दोस्तों, ये जो है मिथिलांचल की ओर से, मिथिलांचल के दोस्तों यानी मिथिला की ओर से ये जाने जाते थे। फिर आगे चले दोस्तों, यहाँ पर जो है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो है उस समय जो है कर्णट वंश का जो है शासक था दोस्तों, वो कौन था दोस्तों? हम कह सकते हैं नरसिंह देव था दोस्तों। कौन से? नरसिंह देव थे। यानी कह सकते बख्तियार खिलजी की जो उस समय दोस्तों, बख्तियार खिलजी के समय में, बख्तियार खिलजी के समय में दोस्तों कर्णट वंश के जो शासक था दोस्तों वो कौन था? नरसिंह देव थे दोस्तों। कौन थे? नरसिंह देव थे दोस्तों, नरसिंह देव थे। और पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों जो है जो अंतिम शासक था कौन थे, यानी जो है कर्णट वंश के दोस्तों अंतिम शासक थे दोस्तों वो कौन थे? आपको हो जाएगा हरिसिंह देव था। कौन था दोस्तों? तो हरिसिंह देव था। कौन थे? तो हरिसिंह देव था दोस्तों। आप जो है कर्णट वंश का दोस्तों, कर्णट वंश जो है अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह देव थे, आप कर्णट वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपको पूछता है कि कर्नाट वंश जो राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो कर्नाट वंश की जो राजधानी था दोस्तों वो था सिमरावगढ़। कहा दोस्तों? तो सिमरावगढ़ जो था दोस्तों आपको जो है सिमरावगढ़ दोस्तों आपको जो है कर्नाट वंश की जो राजधानी था। कहा दोस्तों? कर्नाट वंश की जो राजधानी था दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कहाँ था, तो सिमरावगढ़ हो जाए दोस्तों, आपको कर्नाट वंश के दोस्तों राजधानी था। फिर आगे चलते दोस्तों जो है इसके बाद जो है कर्नाट वंश के बाद दोस्तों आप जो है बख्तियार खिलजी के दोस्तों शासन आया था बिहार राज्य में दोस्तों, इन्होंने दोस्तों बिहार इन्होंने दोस्तों आपको जो है तुर्क सेनापति दोस्तों, जो कि तुर्क सेनापति थे जिन्होंने जो है मुस्लिम शासन था, यानी दोस्तों नया युग यानी बिहार में दोस्तों नया युग आया था मुस्लिम लोग का, इसी के शासनकाल में आया था, यानी कि बख्तियार खिलजी के जो है शासनकाल में ही नया युग जो है मुस्लिम का आया था। उसमें देखना दोस्तों की जो है कहाँ थे, ये थे दोस्तों आप जो है तुर्क सेनापति दोस्तों। क्या था? तुर्क सेनापति जिन्होंने जिसने बिहार में मुस्लिम शासक जो है युग का आरंभ हो गया था, यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है बिहार में जो है मुस्लिम जो है शासक जो है युद्ध आरंभ हुआ था दोस्तों, किसी के साथ शासनकाल में हुआ था, तो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। लेकिन बख्तियार खिलजी कहाँ के थे? तुर्क के सेनापति थे। कहाँ के थे? तो तुर्क के सेनापति थे। अक्सर यहाँ पूछता है कि बख्तियार खिलजी जो कहाँ के थे दोस्तों? ये थे तुर्क के सेनापति थे। कहाँ थे? तो तुर्क के सेनापति थे। फिर आगे पूछता है कि इन्होंने उदंतपुरी, विक्रमशिला,
और नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों का नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट किए थे। तो बहुत ही आश्चर्यचकित बात ये है दोस्तों की जो है हम लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बिहार राज्य के दोस्तों जो है नालंदा में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत ही प्रचलित जो है विश्वविद्यालय था दोस्तों। उस समय जो है बहुत दोस्तों और जो है बहुत से दूर दूर के देश से पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है आते थे। इन्होंने दोस्तों अब जो है बख्तियार खिलजी ने दोस्तों जो कि एक जो है स्थापना किए थे बख्तियारपुर के स्थापना किए थे बख्तियार खिलजी ने किए थे दोस्तों, जो कि आपका बख्तियारपुर जो है एक जो है स्टेशन पड़ता है दोस्तों। इसी इन्होंने जो है बख्तियार खिलजी ने उसका स्थापना किया था दोस्तों। इन्होंने जो है बख्तियारपुर में ही दोस्तों अपना जो है बिहार में दोस्तों अपना गढ़ बना ले थे, और गढ़ बनाने दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों ये जाने की दोस्तों की जो है हिंदू का जो है धर्म जो है हिंदू के जो धर्म लोग दोस्तों और हिंदू जो है सबसे बड़ा जो है संस्था था विक्रमशिला दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय था। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो है इसका जो है रहन नहीं गया रहा नहीं गया दोस्तों। एक तो ये तो मुस्लिम थे दोस्तों, इसलिए ये मुस्लिम होने के कारण दोस्तों ये हिंदू के धर्म को देख नहीं पाते थे, और इसीलिए दोस्तों उन्हें जो है विक्रमशिला उदयपुर हो गया विक्रमशिला हो गया नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने जो क्या तो इन्होंने जाके देखो नष्ट कर दिया यानी नष्ट कर देता। अक्सर इधर पूछता दोस्तों की जो है नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कितने ध्वस्त किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किए थे। क्या कहते तो आग लगाकर जो है इन्हें जला दिया था। क्या कहता आग लगाकर जला दिया था तो जला देता किसने जला था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। फिर आगे पूछता है इन्होंने दोस्तों इन्होंने बोलता दोस्तों इनके समय में बिहार बंगाल क्षेत्र में अंतिम हिंदू शासक दोस्तों लक्ष्मण सेन आए थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की ये बात है कि इन्हीं के समय में दोस्तों क्या इन्हीं के समय में दोस्तों यानी बख्तियार खिलजी के ही समय में दोस्तों जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में तो क्या बिहार और बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों जो है अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों जो है बख्तियार खिलजी के समय में दोस्तों और कौन से हिंदू जो शासक आए थे, तो वो थे दोस्तों हिंदू शासक कौन थे, तो हिंदू शासक थे दोस्तों लक्ष्मण सेन थे। कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों। आपको यही छोटा जो है चीज पर हम लोग जो है ध्यान देना दोस्तों। इसी के दोस्तों प्रति जो है हम लोग क्वेश्चन आता है बीपीएस में पूछा जाता है पीटीएम पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आपको बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली बिहार के बारे में आ सकता है। तो यही छोटे छोटे चीज है जो है हम लोग को ध्यान देना दोस्तों। अगर समझ में चीजें आ रहा होगा तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो को आप लोग लाइक किए होंगे। चलते आगे बताते हैं कि बख्तियारपुर क्या बख्तियार जी जो है बख्तियार खिलजी की जो है हत्या उनके ही एक अधिकारी दोस्तों अली जो है मर्दान ने की थी दोस्तों। यानी दोस्तों जैसा करनी है वैसा ही भरना है, यानी हम कह सकते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों ध्वस्त किए थे दोस्तों, लेकिन जो है उनका जो शासन जो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया दोस्तों। उसके बाद जो है उन्होंने दोस्तों उनके जो है बख्तियार खिलजी उनके ही एक उत्तराधिकारी था, यानी दोस्तों बख्तियार खिलजी के दोस्तों एक अधिकारी था जो है अली अलीम दार थे बिहार शरीफ के इमादपुर में दोस्तों दफना दिया गया था दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया था, तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया दोस्तों। ये छोटे छोटे जो है चीज़ों को हमें समझना है, ये समझने से दोस्तों आपको याद होगा न कि रटने से याद होगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा देखते हैं वीडियो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो एक महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद जो है बख्तियार खिलजी के बाद दोस्तों शासन जैसे खत्म हो गया दोस्तों, उसके बाद जो है आए क्या दोस्तों, तो उसके बाद जो है सल्तनत काल आया था। क्या था, तो सल्तनत काल आया दोस्तों। इन्होंने जो बहुत ही प्रचलित दोस्तों, इन्होंने भी बहुत ही मुस्लिम के शासक थे दोस्तों। इन्होंने जो है गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल विभाजन किया था, यानी कह सकते हैं गयासुद्दीन जो है तुगलक का जो है बंगाल विभाजन का अभियान चलाया था दोस्तों। यानी कह सकते हैं पहले तो उस समय जो है बंगाल जो है बिहार जो है एक साथ में था, लेकिन सल्तनत काल आया था उसमें जो है गयासुद्दीन, यानी हम कह सकते हैं जो है सल्तनत काल के जो है जन्मदाता कौन था दोस्तों, सल्तनत काल के जो जन्मदाता थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने दोस्तों बंगाल विभाजन के जो अभियान चलाए थे, क्या थे इन्होंने ही दोस्तों बंगाल विभाजन का अभियान चलाए थे, जो कि आपको कब चलाए थे दोस्तों 1924 से लेकर 1925 में जो है बंगाल विभाजन के जो है अभियान चलाए थे। फिर आगे पूछता है कि जो इनके शासन के बाद दोस्तों अपने फिरोज शाह थे, क्या फिरोज शाह जो है बिहार में जो कि बिहार के जो है अभिलेख के जो है राजगिरी में जैन मंदिर का दोस्तों दान का जो है प्रमाण मिलता है। यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है फिरोज शाह जो है बिहार के अभिलेख क्या कह सकते हैं, बिहार के जो अभिलेख दोस्तों उसके जो है समय में दोस्तों राजगिरी में
जैन मंदिर का जो है दान का प्रमाण मिलता है, यानी कैसे दोस्तों जो है फिरोज का जो है जब निर्माण किया था तो उसमें जो है बिहार का जो है विलेख था उसमें राजगीर में जो है प्रमाण मिलता है, राजगीर में प्रमाण मिलता है मिलता ये मिलता है कि जो है जैन मंदिर का जो है दान जो है प्रमाण मिलता है दोस्तों की जो है कहाँ मिलता है आपको मिलता है राजगीर में मिलता है दोस्तों। फिर आगे बात करते तो उसके बाद जो है आप आए थे अफगान जो है वंश आए थे कौन थे इसके बाद जो दोस्तों अब जो है अफगान जो है वंश आए थे दोस्तों ये भी जो है बहुत प्रचलित थे वंश थे दोस्तों बहुत प्रचलित थे। फिर आगे इनसे पूछता है दोस्तों बोला जाता है इन्होंने कि जौनपुर का जो है उद्भव हुआ था, यानी कैसे दोस्तों अफगान वंश जो है उद्भव किए थे दोस्तों वो किए थे जो है जौनपुर का जो है उद्भव किए थे इनके अधीन जो है जिसके अधीन जो है सासाराम का जो है क्षेत्र था, यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है सासाराम का जो है क्षेत्र था दोस्तों जौनपुर जो है क्षेत्र था उसी जो है क्षेत्र था सासाराम क्षेत्र था तो इनके अधीन यानी कैसे किसके अधीन तो जौनपुर का जो है उद्भव हुआ था दोस्तों किसके वंश में हुआ था तो अफगान वंश में हुआ था, यानी कि आपको एग्जाम पूछेगा आप जो है कि जौनपुर का जो है उद्भव हुआ दोस्तों तो किसके वंश में हुआ था तो अफगान के वंश में हुआ दोस्तों, जिसके जो अधीन जो है किसके साथ जिसका जो अधीन था दोस्तों वो जो है सासाराम के क्षेत्र में था आता था किसके किस कौन क्षेत्र में आता था तो सासाराम के जो है क्षेत्र में आया करता था दोस्तों आया करता था। फिर आगे हम बात करते हैं जौनपुर के बारे में दोस्तों जौनपुर में जो है सूबेदार थे कौन थे दोस्तों जौनपुर में सूबेदार थे दोस्तों जो कि आपको जो है हसन खान इस समय जो है दिल्ली में सैयद वंश और दोस्तों लोधी वंश के जो शासन चल रहा था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ रहे कि ये बात है कि जो है बिहार में अफगान वंश का जो शासन चल रहा था दोस्तों उस समय जो है दिल्ली में जो है किसका शासन चल रहा था तो उसमें दिल्ली में दोस्तों आपको जो है दिल्ली में दोस्तों सैयद वंश और दोस्तों लोधी वंश का शासन चल रहा था, जिस समय जो है बिहार में दोस्तों बिहार में अफगान वंश का शासन चल रहा था दोस्तों उसी जो है जौनपुर में जो है सूबेदार थे उसके सूबेदार का नाम था दोस्तों क्या था तो हसन खान का नाम था क्या था तो हसन जो है खान नाम था दोस्तों उसी में जो है दिल्ली के जो है शासन काल था दोस्तों जो कि सैयद वंश और तो लोधी वंश के जो शासन चल रहा था दिल्ली में और बिहार में दोस्तों आपको हसन खान का जो समय चल रहा था। फिर आगे पूछता है कि जो है शेर शाह सूरी के बारे में बोलता है दोस्तों जो है इनका जो शासन काल जो चला था दोस्तों वो चला था आपको जो है 1540 से लेकर 45 ईस्वी के बीच में, यानी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों की शेर शाह सूरी जो है बिहार में शासन काल जो है कब चला था दोस्तों कब से कब चला था तो आपको बोले दोस्तों कब चला था 1540 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1545 ईस्वी तक जो है इनका जो है शासनकाल चला था, कहाँ तक कब चला था 1540 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1545 ईस्वी में इनका जो है शासनकाल चला था, इनका शासन काल चला था तो शेर शाह सूरी जो है शासनकाल चला था दोस्तों। और इसे पूछा जाता है दोस्तों जो है शेर शाह सूरी जो है पिता कौन थे दोस्तों तो शेर शाह सूरी पिता थे दोस्तों हसन खान कौन थे हसन खान थे कौन थे तो हसन खान थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों शेर शाह जो है सूरी के जो है पिता कौन थे तो हसन खान थे कौन थे हसन खान थे दोस्तों। और जो है इनका बचपन का नाम था दोस्तों फरीद खान क्या नाम था इनका बचपन का नाम था दोस्तों फरीद खान किसका बचपन का नाम था दोस्तों तो शेर शाह यानी दोस्तों हम कह सकते हैं शेर शाह जो है सूरी के जो है बचपन का नाम था दोस्तों हसन सॉरी बचपन का नाम था फरीद खान इनका जो है पिताजी का नाम था दोस्तों हसन खान और इसका बचपन का नाम तो क्या था तो फरीद खान दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जो है शेर शाह सूरी के जो है बचपन का नाम क्या था दोस्तों तो बचपन का नाम दोस्तों जगह फरीद खान का जो है बचपन का नाम था दोस्तों। और शेर शाह जो उपाधि दिए थे कितने देते तो शेर शाह जो उपाधि जो दिए थे दोस्तों वो दिए थे आपको जो है बराह खान देते कितने देते तो बराह खान देते शेर शाह जो उपाधि दिए थे दोस्तों वो दिए थे आपको जो है बराह खान देते कितने देते तो बराह खान देते दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछता जाता है कि जो है उपाधि दिए थे दोस्तों वो दिए थे आपको जो है बराह खान दिए थे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दिल से दोस्तों आपको दिल से लाइक कर दोस्तों और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा दो सेकंड टाइम निकाल दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बनता है। फिर चलते दोस्तों इसके बाद जो है शेर शाह सूरी दोस्तों अगला एग्जाम पूछ देता है कि जो है शेर शाह सूरी जो है यानी कि दोस्तों चौसा का युद्ध यानी दोस्तों चौसा का जो युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था चौसा का जो युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था चौसा का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो हुआ था जो है 1539 ईस्वी में हुआ था कब हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। लेकिन पूछता है कि चौसा का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो किसके किसके बीच हुआ था लेकिन मेरे प्यारियों किसके किसके बीच हुआ था मेरे प्यारियों आप समझ सकते हैं जो है शेर शाह सूरी और दोस्तों हुमायूं के बीच हुआ था किसके बीच हुआ था तो हुमायूं के बीच हुआ था शेर शाह सूरी दोस्तों और हुमायूं के बीच हुआ था दोस्तों हुमायूं के बीच हुआ था दोस्तों किसके बीच हुआ था तो हुमायूं के बीच जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच इसका जो है
तो क्या हुआ था, चौसा के युद्ध। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि चौसा के युद्ध जो है कब हुआ था, तो चौसा के जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 1539 में हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, शेरशाह सूरी और दोस्तों हुमायूं के बीच हुआ था। लेकिन दोस्तों पराजय किसको हुआ दोस्तों, यानी किसने जीता, जिसने दोस्तों शेरशाह सूरी जीत गए थे दोस्तों, और हुमायूं इसमें हार गया था। किसने था, हुमायूं हार गया था। लेकिन दोस्तों अगले साल फिर दोस्तों जो है एक और युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध। तो ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है, जितना बहुत ज्यादा किसने दोस्तों बहुत ज्यादा भी गया दोस्तों, ये रहा चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। फिर दोस्तों क्या बोले, चौसा के युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी जब चौसा के युद्ध जीते हैं, फिर अगले साल बाद दोस्तों 1540 ईस्वी में दोस्तों एक बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, इसी के बीच हुआ था, यानी कि हुमायूं के बीच ही हुआ था दोस्तों। फिर जो है इसमें जो है हुमायूं हार गए थे, क्या कहते हैं, फिर जो है आपको जो है बिलग्राम का जो युद्ध हुआ दोस्तों, फिर जो हुमायूं का युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें भी हुमायूं जो है उसमें भी हार गए थे। फिर आगे पूछते दोस्तों कि हुमायूं द्वारा जो है कुछ जो है सॉरी शेरशाह सूरी द्वारा जो है कुछ जो है प्रशासनिक सुधार आया था, यानी तो किसी हर अक्सर एग्जाम में पूछा गया दोस्तों जो है शेरशाह सूरी जो है अपने राज्य में दोस्तों अपने शासनकाल में क्या क्या जो है बिहार के लिए क्या क्या जो है कुछ किए थे, तो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ दोस्तों, एक क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रैक रोड दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बिलीव नहीं होता दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 2019 के दोस्तों आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, 2019 जो है ग्रुप डी में दोस्तों इसको जो पूछा गया दोस्तों क्या पूछा गया कि ग्रैंड ट्रैक रोड का जो है निर्माण किसने किए थे, तो ग्रैंड ट्रैक का दोस्तों निर्माण किए थे, ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किए थे दोस्तों शेरशाह सूरी के थे। किसने किए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किए थे ग्रैंड ट्रैक जो है रोड का निर्माण किया दोस्तों। इसका जो निर्माण दोस्तों कहाँ से कहा था दोस्तों फैला हुआ, इसका जो फैला हुआ दोस्तों कलकत्ता, कहा दोस्तों कलकत्ता से लेकर दोस्तों पेशावर, कहा दोस्तों कलकत्ता से लेकर पेशावर। आपको एग्जाम में पूछता है कि ग्रैंड ट्रैक रोड का जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो कोलकाता से लेकर दोस्तों पेशावर तक फैला हुआ। ग्रैंड ट्रैक जो है रोड का निर्माण किसने किए थे, तो शेरशाह सूरी ने किए थे दोस्तों। और क्या चीज के निर्माण किए थे दोस्तों, आपको जैसे डाक सेवा दोस्तों स्पीड पोस्ट के निर्माण किए थे, किसने किए थे तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने किए थे, बिहार के दोस्तों बिहार में किए थे। और दोस्तों रुपया का जो है उन्होंने जो है आविष्कार किए थे, यानी रुपया के दोस्तों प्रचलन किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए दोस्तों। और जो है 178 ग्रेन चांदी दोस्तों, आप पूछता है कि 178 जो है ग्रेन चांदी जो है उन्मूलन किसने किए थे दोस्तों, किए थे आपको जो है किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे। और पटना का जो है नाम किसने दिए थे, शेरशाह सूरी ने दिए थे दोस्तों। और जो है सिकंदरी बागगंज का जो है निर्माण किसने किए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किए थे। और सासाराम का जो मकबरा का निर्माण किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए दोस्तों। और टैक्स जो है 1/3 के दोस्तों निर्माण किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे। देखिए इसमें दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भीड़ दोस्तों की चलिए बहुत ज्यादा भीड़ है, ये आपसे एग्जाम दोस्तों आपको पूछता था, आपको बोले था 2019 में दोस्तों ये जो ग्रुप डी जो एग्जाम पड़ा था उसमें जो ग्रैंड ट्रैक रोड का जो निर्माण पूछ दिया था दोस्तों, किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे। और इसमें पूछता है डाक सेवा का जो निर्माण किसने किए थे दोस्तों, प्रचलन किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे। रुपया का जो किसने किए दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किए थे दोस्तों, किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने ही किए थे दोस्तों। और आपको पूछता है दोस्तों कि जो है 178 ग्रेन चांदी का निर्माण किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे दोस्तों। और पटना का जो है नाम किसने दिए थे, शेरशाह सूरी ने किए थे दोस्तों। और जो है सासाराम का मकबरा का निर्माण किसने किए थे, शेरशाह सूरी ने किए दोस्तों। और टैक्स जो है 1/3 जो है किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। तो बहुत ज्यादा वीडियो दोस्तों आज के होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको हम बताने वाला है दोस्तों। तो आगे देखना है, आगे बता रहे थे दोस्तों आप लोग के, हम बता रहे थे आप लोग के जो है कि शेरशाह सूरी जो ने है क्या क्या चीज जो है बिहार में निर्माण किए थे, जैसे कि आपको बताया है जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों ग्रैंड ट्रैक जो है रोड का निर्माण किए थे बिहार शरीफ में और बिहार राज्य में, सासाराम का मकबरा का निर्माण किए थे दोस्तों, और टैक्स 1/3 की निर्माण किए थे। और दोस्तों आप कह सकते हैं 178 ग्रैंड चांदी का निर्माण किए थे जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, डाक सेवा का निर्माण किए थे दोस्तों, रुपया का उन्होंने प्रचार किए थे दोस्तों जो कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, पटना का नाम किसने दिए तो इसने दिए थे, और जो है सेकेंडरी गाज का निर्माण किसने किए थे इसने दिए थे। तो इतना सारा दोस्तों आपका निर्माण किए थे शेरशाह सूरी जो है बिहार में किए थे दोस्तों, उसी तरह चलते हैं आगे जो है शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अब जो है शेरशाह सूरी की जो मृत्यु, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी की जो मृत्यु जो है 1543 ईस्वी में, यानी कि मेरे को हम कह सकते हैं जो है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध जीते थे शेरशाह सूरी ने, उसके बाद जो है एक साल बाद जस्ट जो है
1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध जीते थे, किसे जीते थे, ताकि हुमायूं जीते थे। लेकिन दोस्तों उसके तीन साल बाद जो है 1543 ईस्वी में अग्निशास्त्र चलाने की जो है समय जो है इनका मृत्यु हुआ था। जिस समय जो अग्निशास्त्र जो है चला रहे थे दोस्तों, उसी समय जो इनका जो है मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद जो है एक और जो है दोस्तों आए, उसका जो निर्माण किया था, तो आगे चलते हैं इसका देखते हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने आने के बाद शुंग वंश का जो है शासक जो है खत्म कर दिया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बिलग्राम का युद्ध हो गया दोस्तों, या चौसा का युद्ध हारने के बाद जो हुमायूं जो है, और उसके बाद जो है तो शेरशाह सूरी को जो है मृत्यु होने के बाद जो है फिर से जो है अपना शासन जो है क्या किया, हुमायूं जो है अपना जो बिहार पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। और उसके बाद जो है कब्जा करने के बाद दोस्तों क्या क्या था, सूर वंश का जो है इसका जो है खत्म कर दिया था। यानी कैसे दोस्तों, पूरी तरह से जो है सूर वंश का जो शासन जो है खत्म कर दिया था, बिहार से खत्म कर दिया था दोस्तों। और जो है कब हुआ था, 1555 ईस्वी में जो है हुमायूं ने अपना जो शासन अपने जो है आने के बाद जो है कहा था, यानी दोस्तों 1555 ईस्वी में आए थे, कौन थे, हुमायूं आए थे। उसके बाद जो है सूर वंश का इसका दोस्तों कहानी खत्म कर दिया दोस्तों, और अपना राज पाट इस पर कब्जा कर लिया था। फिर आगे बात करते हैं कि शेरशाह की मृत्यु के बाद कस्तु, शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है ताज खां कर जो है करारनी कस्तु, ताज खां करारनी, सुलेमान खान जो है करारनी, और दोस्तों दाऊद खां करारनी जो है प्रमुख थे। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि जो है शेरशाह सूरी मरे दोस्तों, उनके जो है कुछ प्रमुख शिष्य थे दोस्तों, जिनका नाम था क्या था, ताज खां करारनी, सुलेमान खां करारनी, और दोस्तों दाऊद खां करारनी जो है प्रमुख थे दोस्तों। इनका जो है अब शेरशाह सूरी के बाद जो है मरने के बाद जो है इनका जो है प्रचलन शुरू हो गया था। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों कि 1576 ईस्वी में अकबर ने दाऊद खां जो है करारनी दोस्तों, यानी कि दोस्तों फिर से अकबर ने दाऊद खां करारनी को जो है राजमहल को राजमहल के युद्ध में पराजित कर दिया था दोस्तों, यानी कि दोस्तों हरा दिया था। तो किसने आया था, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर ने आया था। कब आया था, 1576 ईस्वी में आया था। कब था दोस्तों, 1576 ईस्वी में जो है हुमायूं को जो है हुमायूं के बाद जो है अकबर आए थे 1576 ईस्वी में। उसके बाद जो है क्या कि दाऊद खां करारनी दोस्तों, यहाँ पर देखिए दाऊद के दोस्तों, दाऊद खां करारनी दोस्तों जो है इनके जो है आए, उसके बाद जो है इनके ही राजमहल में जो है युद्ध किया दोस्तों, और इन्हें जो है अकबर ने इन्हें जो है हरा दिया था। फिर आगे चलते हैं, बारे में देखते हैं कि अकबर जो है पहला शासक था दोस्तों, जो बिहार पर दोस्तों पूरी तरह से शासन कर लिया था दोस्तों। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि यहाँ पर जो है किसे आया था दोस्तों, अभी दाऊद खां करारनी जो है उनके ही जो है राजमहल में हरा दे दोस्तों। उसके बाद जो है पूरा बिहार न कि दोस्तों बिहार के कुछ जगह पर दोस्तों, न कि दोस्तों बिहार के कुछ जगह पर, बाकी जो है बिहार के जो पूरा बिहार का जो है वो अपना शासन काल में कर लिया था, अकबर ने कर लिया था दोस्तों। क्या क्या था, आपको अकबर के जो पहला शासक था, यानी जो बिहार का अकबर पहला ही ऐसा शासक था दोस्तों, जो कि बिहार पर जो है पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था, बिहार पर पूरी तरह से क्या क्या था शिकंजा कस कर दोस्तों अपना कब्जा हाथ में ले लिया था, कर लिया था। आगे बोलता है कि अकबर ने इसे जो है इसे 1980 में दोस्तों दोस्तों सॉरी 1580 में दोस्तों इस प्रांत को जो है घोषित कर दिया था। किसका था इस प्रांत को, क्या था दोस्तों, इस प्रांत को दोस्तों घोषित कर दिया था दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं कि जो इसका जो पहला जो है गवर्नर कौन था दोस्तों, इसका पहला जो गवर्नर था दोस्तों था मुनीम खान। अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आपको पूछता है कि दोस्तों इसका जो पहला जो है गवर्नर कौन था, यानी कि हम कह सकते जो है अकबर जो पहला गवर्नर कौन था दोस्तों, तो आप हो जाएगा मुनीम खान से, कौन थे मुनीम खान दोस्तों। और आगे बात करता है कि 1776 की बात करते हैं, 1783 दोस्तों फर्रुखसियर ने अपना पहला दोस्तों अपना जो अपनी जो है राज्याभिषेक जो है पटना में कराया था। यानी मेरे तरह हम समझ सकते हैं, यानी कि हम कहा था दोस्तों जो है 1713 ईस्वी में दोस्तों आए थे फर्रुखसियर, आए थे किसने थे तो फर्रुखसियर में आए थे, और अपना जो है पहला अभिषेक कहाँ कराया था तो पटना जो है में कराया था, कहाँ कराया था पटना में करवाया था दोस्तों। और अगला बात करता है आलम जो है शाह आलम द्वितीय, किसी दोस्तों शाह आलम द्वितीय की बात किया जाता है कि शाह आलम जो है द्वितीय जो है ने अपना जो है राज्य अभिषेक जो है बिहार में कराया था, क्या कहता बिहार में कराया था। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो है बिहार जो शासक था आलम जो है आलम शाह आलम द्वितीय जो था दोस्तों अपना जो है राज्याभिषेक कहाँ कराया था तो बिहार में करवाया था। और पूछता है 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जो है अपना जहाँ राजा से कहाँ करा था तो आप बोले दोस्तों पटना में करवाया था, कहाँ करा था तो पटना में करवाया था। तो उसी तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों स्पेशली दोस्तों हम जो है बीपीएससी की दोस्तों स्पेशली जो क्लास लेकर आए हैं
स्पेशली जो बीपीएससी क्लास लिख रहा है, जो कि आपको गहराई के साथ लिख रहा है दोस्तों, जो कि आपको समझने की चीज है। अगर आपको समझ में आया होगा मेरे प्यार विद्यार्थियों, तक समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे प्यार विद्यार्थियों, आपसे हम इतना रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपके आस पास के दोस्तों अगल बगल बिहार द्रोह की तैयारी कर रहा है दोस्तों, या बीपीएससी की तैयारी में प्रिपरेशन के लगे हुए हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो दोस्तों लिख रहा है दोस्तों, वीडियो लिख रहा है दोस्तों। आज दोस्तों हम वीडियो बताए तो क्या बताया दोस्तों, आज का वीडियो बताया दोस्तों मध्यकालीन जो है बिहार इतिहास के बारे में बताया दोस्तों, जो कि इसका पहला वीडियो चलाते हैं, प्राचीन जो है बिहार इतिहास के बारे में चलेंगे। और अगला हम वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, वो लेकर आएंगे दोस्तों, हम लेकर आएंगे दोस्तों आधुनिक इतिहास के बारे में, यानी तो आधुनिक जो है बिहार के इतिहास के बारे में दोस्तों, अगला जो है हम वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। इससे ज्यादा दोस्तों वो आने वाले जितना भी बिहार जो है टॉपिक आने दोस्तों, बिहार जितना भी टॉपिक बिहार के आने वाला है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। तो मेरे प्यार दोस्तों, इतना आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खतरनाक दोस्तों क्या है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।